हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्टर दोस्त आमिर। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इशिन का E50 सेल्फी ड्रोन। ये अपग्रेडेड ड्रोन है। जैसे कि आप दोनों बॉक्सेस देख रहे हैं, वैसे तो ड्रोन इस बॉक्स में है और इस बॉक्स से हमने उसको ओपन कर लिया है। इसमें कुछ मैनुअल्स है जो कि ड्रोन के साथ में आती है, उसको कैसा हम फ्लाई करें, कैसा उड़ाए। ये तीनों भाषा में है, इंग्लिश मैनुअल है, स्पेनिश है। तो हम इसको अभी तो हाल फिलहाल रख देंगे क्योंकि हमें इतना इसको नहीं पढ़ना है। और मेन ड्रोन जो है वो इसमें है, जो कि DJI मैविक के जैसा ही है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेन ड्रोन यूनिट, हम इसको भी अभी का साइड में रखेंगे और बॉक्स में देखेंगे कि हम इसमें जो मिलते हैं चार प्रोपेलर और एक स्क्रू ड्राइवर प्रोपेलर चेंज करने के लिए, इसको भी हम साइड में रखेंगे। और ये है रिमोट। ये रिमोट जो है मोशन सेंसर के साथ काम करता है। इसमें अप डाउन और ये जो है चारों तरफ रोटेट होगा। और इसमें जो दिया गया है ये बैक वाला जो बटन, इससे स्पीड बढ़ती है ड्रोन की। तीन टाइप्स की इसमें स्पीड दी गई है। और ये जो बटन है ये लाइट बंद करने के लिए और ये स्टॉप के लिए है। ड्रोन को हमें स्टॉप करना है तो इससे स्टॉप कर सकते हैं। और लाइट ऑपरेटिंग के बटन है जैसे आप देख रहे हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है। इसमें बैटरी अगर हम देखें तो AA साइज़ की बैटरी आएंगी, छोटी, जो कि नॉर्मल रिमोट में लगती है छोटे साइज़ की। वैसे मैंने इसमें फिल करके रखा है, इसको भी हम साइड में रखेंगे। और एक चार्जिंग केबल आता है इसके साथ, जो कि हमें ड्रोन की बैटरी चार्ज करने में काफ़ी उपयोग देगा, मदद करेगा। तो ये जो केबल है, आप इसको ड्रोन को चार्जिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, पावर बैंक से और अपने चार्जर से, जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। इसकी जो चार्जर सॉकेट पिन है ये थोड़ी अलग है और ये USB सॉकेट है। इसमें लेट होता है। इस चार्जर के USB पिन में एक लाइट होगा जो कि इंडिकेट करेगा अगर आपका ड्रोन फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करेगा रेड लाइट से कि आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, मतलब यानी डिसकनेक्टेड कर दीजिए। तो आप ज़्यादा ओवर चार्ज से अपने बैटरी खराब होने से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे मेन यूनिट की। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी फोल्डेबल आर्म्स है, जो आप इसको देख रहे हैं। और ये सेल्फी ड्रोन है। इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो मूवेबल है, आप इसको नीचे तक कर सकते हैं इस टाइप से। और इसका वन टच स्टार्ट की दिया गया है। अभी हम इसका जो बैटरी है 500 mAh का बैटरी है। ये तकरीबन हमें फ्लाइंग टाइम देता है 5 से 6 मिनट तक, आसानी से ये उड़ेगा। और इसको 82 वोल्ट, मतलब यानी कि एक स्पीड अगर हम देते हैं तो 82 वोल्ट पर जाके रुक जाएगा आसानी से, उसी वोल्ट पर ये रुका रहेगा। और इसका जो 6 सेंस गायरो सेंसर रिमोट जो है ये वाला, इससे हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे आसानी से, जो कि काफ़ी यूनिक दिख रहा है। ये हम इसको आसानी से आगे पीछे मूव, राइट लेफ्ट, इसको पीछे के लिए इस टाइप से उठाना होगा, आगे के लिए ऐसे डाउन करना होगा, तो इस टाइप से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और ये थोड़ा स्टेबल है, मगर हवा में हम इसको नहीं उड़ा पाएंगे। जैसे कि ज़्यादा हवा होती है, मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये बैंगूट से बुलवाया है। तकरीबन इसकी जो वैल्यू है
300 के करीबन है, 3000 रुपये के करीबन। और इसको मैंने बैंगलोर से ऑफ़र के चलते हुए 2000 रुपये के करीब करीब मैंने एयर पल्सर सर्विस से इसको बुलवाया है। आप भी इसको आसानी से बुलवा सकते हैं। ये तकरीबन 15 दिनों में हमारे पास में आ गया है। और इसका जो हम रिमोट का जो देखेंगे, रिमोट इसको कैसे कनेक्ट कर पाना है, करना है, तो आप पहले तो इसको यूजुअली आसानी से ऑन कर दें। तो इसको होल्ड करके रखें, एक सेकंड, ये ऑन हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लिंकिंग करती हुई लाइट। और ये रिमोट को भी हमको ऑन करना हो तो रिमोट का ऑन बटन है, रिमोट का ऑन बटन के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको अप एंड डाउन करना है वन टाइम। अगर आपको इसको स्टार्ट करना है विंग को, तो आप जैसे देखेंगे इसको सरफेस एरिया पे रख के क्लिक करना है, इसको नीचे की तरफ दबाना है इस टाइप से। जैसे देखेंगे आप ये ऑन हो गया है। अगर इसको इंस्टेंटली ऑफ करना है, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉप करना है, तो आप ये नीचे वाला बटन दबा सकते हैं। जैसे हमने ऑन किया, नीचे वाला बटन दबा दिया, ये ऑफ हो गया। अब हमें इसे अगर ऊपर उठाना है, ऑन करके ऑन करना है हमें, और जॉयस्टिक जो है ये वाली, इसको ऊपर करना है इस टाइप से। तो मैं आपको कुछ सैंपल इसके वीडियो बताऊंगा, और कैमरे के सैंपल आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिल जाएंगे। ये आप बुलवा सकते हैं, मगर इसको उड़ाने के लिए ये स्टेबल है थोड़ा बहुत, काफ़ी हवा में हम इसे नहीं उड़ा पाएंगे। अगर हम रिमोट के रेंज की बात करें, तो ये रिमोट के साथ तकरीबन 300 फीट यानी कि 100 मीटर तक आसानी से उड़ पाएगा। और अगर हम मोबाइल से बात करें तो 50 मीटर 150 फीट तक आसानी से ये मोबाइल से उड़ पाएगा। इसका मोबाइल में भी ऐप होता है, ईशियन E50, ईशियन का ऐप होता है E52 करके, प्ले स्टोर से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके छोटे से फ्लाइट टेस्ट दे देता हूँ। हम इसके प्लेन सरफेस के लिए डब्बे का ही यूज़ करेंगे, और हमने इसको रख दिया है। वैसे हमारा ड्रोन ऑन है, हम इसको क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं ड्रोन स्टार्ट है। Hi, hi.